जय श्री राम सबसे पहले आप सभी को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर व आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे इस दीपावली माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर हो और सुख शांति धन दौलत सौभाग्य से आपका घर सदा ही भरा रहे जय श्री राम जय हनुमान चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का हाल 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों हमारा राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है यह समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का समय है और दिवाली से पहले के ये सात दिन कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास और शानदार है शुरुआत करते हैं 21 तारीख सोमवार से 21 तारीख सोमवार को अष्टमी तिथि रहेगी और चंद्रमा कर्क राशि से गोचर करेंगे दोपहर तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा उसके बाद के समय में पुख्स नक्षत्र प्रारंभ होगा दोस्तों 21 तारीख सोमवार का दिन चंद्रमा आपकी राशि से छठे स्थान में होंगे विदेशी कामों में सक्सेस इस दिन हाथ लगेगी लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी होगी सुबह से ही आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे धन संबंधी मामलों में आप इस दिन लकी रहेंगे सुबह से लेकर दोपहर तक का समय घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और हर तरीके से आपको अपने कामों में सफलता मिलते ही चली जाएगी जॉब करने वालों को भी इस दिन नए काम दिन के समय में मिल सकते हैं इसके बाद के समय में आप फेमस हो सकते हैं और दोपहर बाद के समय में काम काजी तेज गति से आगे बढ़ेंगी काम भी अधिक हो सकता है और मेहनत भी अधिक हो सकती है कुछ खर्च शाम के समय में होते हुए दिखाई देंगे बात करें 22 तारीख मंगलवार की इस दिन नवमी तिथि रहेगी और चंद्रमा कर्क राशि में होंगे दिन में शनि का नक्षत्र और शाम को बुध का नक्षत्र होगा दिन की शुरुआत आपकी भागदौड़ से होगी और इस समय में कोई नया काम मिलने की उम्मीद भी होगी मुकदमेबाजी में जीत हो सकती है घर के रुके हुए कामों को निपटाने में भी आपकी दिलचस्पी होगी ट्रैवलिंग में मार्केटिंग में फायदा होगा नया निवेश करने की प्लानिंग इस समय में होने वाली है अपने शत्रुओं पर आप जीत दर्ज करेंगे रुका फंसा धन इस दिन आ सकता है और मेहनत भी इस दिन अधिक होगी दोपहर बाद के समय में अच्छा फायदा मिलते हुए दिखाई देगा और लव लाइफ इस दिन शाम के समय में बहुत खास और स्पेशल बनने वाली है हर तरीके से शाम का समय सुबह से ज्यादा भाग्यशाली और शुभ होगा बात करें 23 तारीख बुधवार की इस दिन दशमी तिथि रहेगी और चंद्रमा दोपहर तक कर्क कर राशि में उसके बाद सिंह राशि से गुजर करेंगे सुबह बुध का नक्षत्र होगा और शाम को केतु का नक्षत्र रहेगा इस दिन शाम के समय में सावधानी बरतनी होगी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है और नए कामों को करने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे लोग आपकी मदद करने को इस दिन तैयार होंगे मित्रों की मदद खास तौर पर मिलने वाली है और मन में प्रसन्नता इस दिन बनेगी दोस्तों बात करें 24 तारीख गुरुवार की चौबीस तारीख गुरुवार को एक तिथि होगी और चंद्रमा सिंह राशि से गोचर करेंगी सुबह के समय में मघा नक्षत्र रहेगा और शाम के समय में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा कुंभ राशि वालों के लिए समय भाग्य को बढ़ाने वाला होगा और चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम स्थान में होंगे व्यापार कारोबार में मुनाफा बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको इस दिन होगा चौबीस और पच्चीस तारीख बहुत ज्यादा शुभ होगी रिस्क लिया जा सकता है अपने काम को फैलाने का भरपूर प्रयास आप करेंगे आपके लाइफ पार्टनर को भी इस समय में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता इस समय में मिलेगी इस समय में परिवार का माहौल अच्छा होगा सेहत भी अच्छी रहेगी और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनेगा छब्बीस और सताइस की बात करें तो छब्बीस तारीख शनिवार को त्रयोदशी तिथि रहेगी और चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे हस्त नक्षत्र इस दिन रहने वाला है छोटी दिवाली पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और छोटी दिवाली पर भाग दौड़ रहेगी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होगा और धन का खर्च भी होने वाला है सत्ताईस तारीख की बात करें तो सत्ताईस तारीख रविवार को चतुर्दशी तिथि और चंद्रमा इस दिन दोपहर तक कन्या राशि में होंगे उसके बाद के समय में तुला राशि से गोचर करेंगे समय आपके लिए बहुत बलवान बनेगा मंगल का नक्षत्र इस दिन पड़ेगा जो कि ट्रैवलिंग आपको करवा सकता है और अपने करियर में मान सम्मान भी बढ़ते हुए दिखाई देगा पिताजी से फायदा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त मित्र आपके काम आएंगे और हर तरीके से लोग आपकी राय लेना पसंद करेंगे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और धन संबंधी मामलों में आप इस दिन लक्की रहने वाले हैं बड़ी दिवाली का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा और आपके जीवन में कई तरह की खुशियां भरेगा दोस्तों माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको इस दिवाली पर प्राप्त होगी सारे काम आपके बनते चले जाएंगे अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें